अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों ये हमने छोटे लेवल पे रैबिट फार्मिंग स्टार्ट करी है, जो कि हमारे बैक साइड पर आप देख सकते हैं। और ये तादाद कैसे बढ़ी, कितने रैबिट्स मैंने परचेज़ किए, मुझे कितना टाइम हो चुका है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको वीडियोस में बताता हूँ। ये मुझे तकरीबन मैंने एक घर से परचेज़ किए थे। वैसे तो मेरे पास पहले तीन, एक पियर्स था और एक वाइट रैबिट्स था, वो भी इनमें मिक्स है। तो तीन तो मेरे पास पहले से थे और एक जब मैंने हम परचेज़ करने गए थे दो, लेकिन जब हम किसी के पास गए तो उनके पास दो पियर्स थे, उनके काफ़ी सारे रैबिट्स थे। तो मैंने बच्चे ख़रीदना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जो पियर्स सेट होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, उनको लिए आसानी भी होती हैं और उनकी बीमारियां भी नहीं होती। अगर तो वो किसी के पास सेट, अगर वो बेचना चाह रहे हैं तो आप सारे भी उनसे ख़रीद सकते हैं, तो आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। तो ये मैंने रैबिट्स ख़रीदे थे, तकरीबन 9 थे, और आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मेरे पास आ गए, उन्होंने तीन बच्चे भी दिए, वो भी आपको मैं वीडियोस में दिखाऊंगा भी आपको। माशाल्लाह से ये मेरे पास सेट भी हो चुके हैं और ये मैंने सेल आउट पर भी लगाए हैं। तो काफ़ी अच्छा ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है छोटे वेल पर। आप मेरे पास पीछे कैच भी देख सकते हैं, इसका साइज़ भी आपके सामने वीडियो में नज़र आ रहा होगा। तो ये तो अभी फ़िलहाल खाना खा रहे हैं, तो मैं आपको कैच खोल के दिखाऊंगा और इनके बच्चे भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं कि ये इनके पैर ने बच्चे दिए, और जो कि ये तकरीबन एक हफ्ते के हैं, और टोटल हमारे पास तकरीबन इस टाइम अभी 18 पेयर हैं, और ये सेल आउट पे भी हैं। आप इनकी क्वालिटी चेक करें, प्योर रेड आइज में। कुछ बच्चे अभी छोटे भी हैं और सारे एक्टिव हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं। बच्चे हैं जो कि तकरीबन एक 1 वीक के हो चुके हैं ये बच्चे, और माशाल्लाह ये भी अब खाने पीने पे तैयार हैं। माशाल्लाह हैवी डाइट दी जा रही है इनको, और अभी सर्दियों का मौसम है वो काफ़ी अच्छा है, इसका रिज़ल्ट भी है। ये हमारे पास ब्रीडर है, एक सामने आप देख सकते हैं, एक ब्रीडर वहाँ पर है, और ये एक हमने इसका ओवरऑल ये इसका व्यू है जो हमने इसको इनके अंदर सेव किया हुआ है। और ये एक छोटे लेवल पर रैबिट फार्मिंग स्टार्ट किया हमने, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। वो कंप्लीट वैक्सीनेशन के साथ हमने इनको, जो कि आप देख सकते हैं, जो हमारा सूरज का व्यू है, वो जब सुबह अर्ली मॉर्निंग में इनकी तरफ आता है तो वो भी ज़रूरी है इनके लिए धूप। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो वो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको छोटे बड़े पियर सब देंगे वीडियोस के अंदर। पिंजरे का साइज़ मैं आपको बता दूं, अगर तो भाई कोई भाई शौक करना चाह रहा है इसका, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है मेरे हिसाब से, जिसके अंदर आप दो पेयर्स या चार पेयर से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टाइप के अगर पास आपके पास बॉक्स हो तो वो बेस्ट हो जाएगा, जब आप अगर पेयर्स लें तो इस तरह के बॉक्स रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी इन्हीं पेयर्स के बच्चे हैं, और जब ये तादाद जब बढ़ना शुरू हो गई थी मेरे पास, तो मैंने फिर ये इस तरीके के बॉक्स मिल भी जाते हैं, और अगर नहीं मिले तो आप बनवा भी लें। बॉक्स देख लें, इस तरह के बॉक्स हैं जो कि बर्ड्स मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और मैक्सिमम इनके प्राइस आई थिंक 2000 या 2500
अच्छी क्वालिटी में अगर आप लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्होंने जो उस तरफ वाला बॉक्स है उसको टोटली ख़त्म कर चुके हैं। तो ये जो इस तरफ वाला बॉक्स था जिसके अंदर आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं, तो ये बॉक्स अच्छा है और ये लकड़ी का है, तो ये इसको ख़त्म नहीं कर पाए। तो वो वाला तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, जो कि मैं अभी दोबारा से परचेस करूँगा। तो आप ओवरऑल वीडियो आप देख लें किस तरीके की गोट फार्मिंग आप कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है बड़ी स्पेस होना। आप चाहें तो ऊपर भी बॉक्स रख सकते हैं। इसका आई थिंक मेरे हिसाब से साइज़ जो होगा 4x, और आई थिंक ऐसे लंबाई में ये होगा तकरीबन 6 या 7, और इसकी हाइट होगी तकरीबन 5 फिट, जो कि मेरे लिहाज से बेस्ट है। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो हमारे रैबिट्स ख़रीदने में, शौक करना चाहें, कंप्लीट हम उनको सारी तफसीलात के साथ ये हम शौक करवाएंगे भाइयों को, और उनको बताएंगे कि किस तरीके से आप इनकी सेफ्टी का ख्याल भी कर सकते हैं, और किस तरीके से इनको डाइट दी जाती है, कौन सी टाइमिंग ज़रूरी होती है और कौन सी टाइमिंग नहीं होती, ये भी आगे चल के आपको वीडियोस में बताएंगे। फ़िलहाल माशाल्लाह से ये अभी बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, आगे चल के आपको वीडियो में दिखाएंगे इन बच्चों को, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में आगे वो खा भी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल योर चॉइस पीके को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमारे को बताइएगा कि आपको हमारा ये वाला शौक कैसा लगा।